अबे दादा एनआरसी लगने वाली ना, इसलिए सब भागम भाग है। एनआरसी? अरे दादा कोई समर्थन कर रहा, कोई विरोध कर रहा, और है ना गांव की भी हालत खराब है। ओह नो। अबे दादा और तो और इतना बड़ा जुल्म कर रहे कि इंटरनेट भी बंद कर दे रहे यार। इंटरनेट भी बंद कर दे? हाँ। मेरा पबजी का क्या होगा यार? हाँ अबे पबजी का छोड़, मेरा क्या होगा? अबे यूट्यूब की दो वीडियो देखता नहीं ना, जब तक मुझे होती नहीं बा। अबे एले फतरे, सारे देश की हालत खराब है और तुम खाली यूट्यूब और पबजी में परेशान रहो। अरे छोड़ यार बा, नहीं तो यही घर पर रहेंगी मेरे को। आना यार दादा, कहाँ से लाएंगे इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स? अरे आना दादा, सारे के सारे परेशान हो गए अपन। क्या रे दादा, पूरी एकता एग्जास्ट क्या हो गया? अरे वो सीए और एनआरसी का चक्कर रे दादा। सीए एनआरसी ये क्या है? अरे सो रहा क्या अभी तक मालूम नहीं क्या? ओह नो। अरे भाई उसको उसकी जबान में बोलो, उसके सर के ऊपर से जारी सब। अरे एड़े कुछ लोगों को देश से निकालने के बात हो रहे, और अपने देश में बाहर वालों को लाने के बात कर रहे। बाप रे बाप, इतने तमाशे चल रहे अपने देश में, तो फिर आप अपने को क्या करना पड़ेगा बाप? वो 50-60 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेंगे। क्या? ओए क्या हो गया? 50-60 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स। अरे क्या हो गया रे, क्यों हंस रहा रे तू? अबे दादा पागल तो नहीं हो गए ये? हाँ ना। अबे यारो पिछले साल मैंने ठंडी में सूटर लाया था, कहाँ रखने में आ गया वो नहीं मिल रहा, तो इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स क्या कहाँ के मिलेंगे? सही बोला है वो? हाँ सही बोला ना। फिर भी ढूंढना तो पड़ेगा ना, देखता घर में एक आध कोने कापरे में एक आध कागज मिल जाए तो। क्या होगा रे, काकू इतना फलफल कर रहा? ओह नो। अपने देश में एनआरसी एंड सीए लग रहा। आ हाय तेरा सत्यानाश हो जाए बुरी गत के, सारी इंग्लिश उल्टी पढ़ रहा। अरे बुरी गत के वो सीए नहीं रहता, वो एबीसीडी रहता। ओ नानी तेको तेरी भाषा में समझाना पड़ेगा, घर वालों को बाहर और बाहर वालों को घर में लाने की बात कर रहे। ए भाई देख, तू मेरे साथ ना ये सांप सीढ़ी मत खेल भला क्या, तेको क्या है ना सीधा सीधा बोल। अरे दादी मैं तेको बाद में समझाता, पहले तू मेरे दादा का जन्म दाखला दे। तो काय को तूने जो खाया उसके वास्ते लग रहा क्या? हाँ। अरे बेटा वो तेरे दादा जब काम पे जाते थे ना गड्ढे खोदने को, तो मैंने वो जन्म दाखले के कागज में उनको रोटी लपेट के दे दी थी। दादी ये क्या कर डाली तूने? अब मेरे को क्या मालूम क्या इतने तमाशे आने वाले हैं, इतने पुराने कागजात कौन संभाल के रखता रे? क्या गड़बड़ कर डाली तूने? क्या करूँ क्या करूँ यार, कुछ भी नया तमाशे लाता ये पोरिया। हाय हाय हेलो, कोई है क्या? कोई है क्या? क्या है वो? आए क्या है, कौन है? अरे वो हम ना एनपीआर करने के लिए आए हैं। रुको बाप रे, अबे तीसरा तमाशा क्या आ गया? अरे जनगणना रहती रे वो, मर्दम शुमारी कहते उसको। गंटी मैंने पहले, चलो बताती तो मेरे खानदान का नाम पता, सब गिनाती तो मेरे बाग बगीचे के फूल। बैठ बैठ रे सहले तू भी। हाँ पूछो, क्या पूछ रही तो? अरे तो दम ना जरा, क्या मुंह में डाल देता क्या? रुको एक मिनट। अरे दादी माँ हम एनपीआर के लिए आए हैं, कोई पिक्चर की शूटिंग थोड़ी चल रही है। हाँ तो मालूम है ना वो मेरे को भी। बा थोड़ा इधर घुमा ना। बुच्चू बैठे मेरी ले रहा ना वो। हाँ पूछ वो तू, क्या पूछ रही तू? हाँ तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे चार बेटे हैं, चार दगड़िया सुपड़िया फत्या जुलिया। क्या दादी मेरे बाबा को तो एक ही भैया ना। अरे तो वो दो पहले घर पे रहते थे रे। बच्चू बट देखो नहीं मालूम। हाँ पूछ वो तू। हाँ तो दादी माँ आपने स्कूल कहाँ तक पढ़ा? दोपहर तक पढ़ी ना माँ मैंने। दोपहर तक? हाँ दोपहर तक।
सुबह सुबह मेरे बाबा ने स्कूल में छोड़ के आए और वो मास्टर इतना उबक था मेरे से कि दोपहर को मास्टर ने मेरे को घर को लाके छोड़ दिया। ओ तारीख और आज का दिन, उसके बाद में कभी स्कूल गई नहीं। अच्छा तो आपका स्कूल का दाखिला तो होगा ना? काय का दाखिला? वो जैसे मैं स्कूल में गई तो मास्टर ने कहा कि ये ऐसा यहाँ तक का हाथ लाओ। जैसे मेरा हाथ कान को पहुँचा तो मास्टर ने मेरा हाथ पकड़ के खींच के मेरे को दाखिल कर दिया। ओए, अरे तू सीधा बैठना, क्या वलवल कर रहा रे? अरे दादी मैं ट्राई कर रहा था। तो यहाँ ट्राई करना, वहाँ ट्राई करते क्या? Oh, no. हाँ तो दादी माँ, आपकी माता पिता तो होंगे ना? स्वर्गवास हो गया उनका। अब तेको क्या बताऊँ, जैसे मैं पैदा हुई क्या मेरे माँ बाप को इतनी खुशी हुई क्या खुशी के मारे दोनों को एक साथ अटैक आ गया। Oh, no. जाओ दादी, तूने तो अब भी बोली ना तेरे बाबा ने तुझे स्कूल छोड़ के आए थे। अरे तो वो दूसरे बाबा थे ना रे, वो कुछ बैठा कर तू जरा। हाँ पूछ, वो तू दूसरा सवाल पूछ। आपके माता पिता का कुछ तो होगा आपके पास। एक बात बता, ये जनगणना काय को करते हो? गरीबों की मदद के लिए, और जो असल गरीब है उनको सरकार की स्कीम का फायदा पहुँचे। ओह गरीबों का फायदा, तो फिर ये माँ का ये और बाप का ये गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो तुम? हम जिंदा हैं, हमारे वास्ते कुछ करो ना। नवे नवे ला रहे तुम तो। अरे वाह रे वाह, पहले जैसे जनगणना होती थी वैसा पूछना। अच्छा आपके पास पैन कार्ड है? नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई अकाउंट है आपका? हाँ है ना, फेसबुक अकाउंट है मेरा, पोत्रे ने खोल के दिया था ना मेरे को, उस पे ही टाइम पास करती। अरे वो नहीं, बैंक अकाउंट की बात कर रही हूँ मैं। वो भी नहीं है। पासपोर्ट है? वो भी नहीं है। अच्छा तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा ना? ओह नो। वो दादी तू ड्राइवर है मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। दादी तू ट्रक चलाती थी जो? नहीं टैंकर चलाती थी मैं, 10 टायरा। ड्राइविंग लाइसेंस देख रही, वो लाइसेंस के मुंह की 10 साल पहले जब सैलाब आया था ना हमारे गांव में, उसमें सब बह गए थे, अब कहाँ से लाऊं, पैदा करूं क्या? आई बड़ी जनगणना वाली। ए अब तू मेरे एक सवाल का जवाब दे के बता तो, इधर कर रहे कैमरा? हाँ अब बोल, तेरे दादा के बाप का नाम क्या था? वो कहाँ चल गए रे ये, आई बड़ी जनगणना करने? क्या अभी तक तो वही काम कर रही थी तू? ओए ड्यूटी है मेरी। यहाँ और कोई घर है क्या, कोई रहता है? हाँ रहते ना, चल मैं तेको लेके जाता। ओके। ये कहाँ रहते हो आप? ये मेरा घर है, यहाँ रहता मैं। अच्छा तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या? आ डाकू, डाकू तो मैंने पिक्चर में देखा था। अरे वो कागज पत्तर का बोल रही। हाँ? वो तू भी हिंदी में बोल, उसको अंग्रेजी समझी नहीं क्या? काय के वास्ते आई है? अरे वो एनआरसी एमपीआर क्या क्या चल रहा हो क्या मालूम, उसको वास्ते घूम रही हो। अरे मेरा मतलब कोई कागजात है। कागजात? मेरे को तो दो ही कागज समझते बा, जब मैं नींद में से उठ के सुबह सुबह खड्डे खोदने जाता ना तो मुझे है ना 100-100 के दो कागज मिलते, यानी के 200 रुपए, तो मुझे है ना वही दो कागज समझते। देखिए अरे ऐसे गरीबों को ना कायदे कानून नहीं होना। Oh, no. इनको दो वक्तों की रोटी होना, भला कागज बताओ पत्थर बताओ, घूम घूम के थक गए होंगे, इसके साथ दौड़ने वाले खा ले। तू क्यों आया यहाँ पे? ओए ज्यादा घुसका मत। अरे मेरे को देखने का यहाँ पे कौन अंदर हो रहा कौन बाहर हो रहा, तू तेरा काम कर। तुम्हारे डॉक्यूमेंट सही नहीं है। Oh, no. तुम रुको, लाओ तुम अपने बताओ। तुम्हारे भी डॉक्यूमेंट सही नहीं है। Oh, no. पर तुम दोनों टेंशन मत लो, तुम दोनों को CAA का फायदा मिलेगा। है? तुम बताओ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स। तुम भी रुको, मेरे भी डॉक्यूमेंट सही नहीं है, मेरे को भी CAA का फायदा मिल जाएगा है ना? नहीं, तुम NRC के थ्रू बाहर जाओगे। Oh, no. इस
देश को आजाद करने में सबको बराबर का बलिदान है। ये भी हमारे साथ यही देश में रहेगा। देखी सुन ली ना, ये हमारे देश की एकता है, कोई कहीं नहीं जाना, सब यही रहेंगे। लेकिन इसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, इनको जाना पड़ेगा। क्या कहा तूने? उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है, ये ले। अरे यार ये क्या कर रहे हो? हमारे पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हमको भी इसके साथ बाहर कर। इसके साथ हमको भी बाहर निकालो। ए, कोई कहीं नहीं जाना। ये देख, ये मेरे देश की पहचान है। देख देखिए, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। ओह नो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हर धर्म के लोग इस देश की संतान है, और देश की संतान के साथ खिलवाड़ करने वालों को अब हम बताएंगे। चलो रे, लेट्स गो। वही डॉक्यूमेंट्स का चक्कर है ना दादा। अबे दादा, अपन सबके मसले को ना एक ही प्राणी हल कर सकता। कौन? अबे बाटली का जी। बाटली का जी? अरे जिन दादा। कौन है? अरे जरा थोड़ा बाहर आ जाओ। और रुको, आ रहा। अरे आ, जल्दी आ, जल्दी आ। देखे ना, अबे ये बहुत पुराना जी है, अब ये सबका डॉक्यूमेंट ला के दे देगा। क्या हुक्म है मेरे आका? वो जिन दादा, हमारे देश में ना बहुत लफड़े चल रहे हैं। तो हमारे 50-60 साल पुराने डॉक्यूमेंट ला के दो तो। अबे अरे फतरे, मेरे को मेरे माँ बाप का पता नहीं मालूम, तो इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स मैं क्या खाक ला के दूंगा। हाय गाइस, हमने ये वीडियो में सिर्फ ये मैसेज देने की कोशिश की है, हमारे देशवासियों को जो चीज की जरूरत है पहले वो दो, जैसे नौजवानों को नौकरी और गरीबों को रोजगार और देश को आर्थिक मंदी से छुटकारा। तो दोस्तों, हमारे देश में विकास की जरूरत है। अन और सुनो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल JKK एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए।